गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 प्लांट अराउंड अस का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि एक प्लांट के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, जानते हैं आप? पार्ट्स में मतलब इट मींस जैसे स्टेम, फ्लावर, रूट और फ्रूट है ना। और जब आपके चारों तरफ जब प्लांट को देखते हो तो आप देखते हो कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो आपने पढ़ा है ना या नहीं? तो बड़े प्लांट को हमने क्या बोला था? ट्री। और स्मॉल प्लांट को क्या बोला था हमने? श्रब्स। और वेरी स्मॉल को हर्ब्स बोला था, है ना बेटा। और इनके एग्जांपल भी मैंने बताए थे, और मैंने ये भी बताया था आपको कि कौन कौन से प्लांट कहाँ कहाँ रहते हैं। तो आपने वो पढ़ लिया ना, वो एग्जाम्पल जरूर लर्न कर लेना क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं। तो चलो अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आगे से आज हम पढ़ेंगे लीव्स ऑफ प्लांट। जो लीव्स हैं किसकी, प्लांट की, वो कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। पर कुछ देखा आपने ऐसे डेकोरेटिव भी होती है, लाइट येलो या रेडिश कलर में होती है। तो क्या इनमें ग्रीन कलर नहीं होता बेटा? होता है, वो छुपा हुआ होता है। आप जानते हो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? आपके यहाँ नहीं लिखा हुआ होता, पर जिस तरह से हम कपड़ों पर कलर करते हैं उसी तरह इसके अंदर भी कलर छुपा हुआ होता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से ये ग्रीन होता है, और इस ग्रीन के वजह से ये अपना खाना बना सकते हैं। जो लीव्स ग्रीन के जगह अगर येलो हो जाती है तो वो अपना खाना नहीं बना पाती, और आपने देखा एक आध दिन में वो पेड़ से या प्लांट से नीचे गिर जाती है। तो जब ये अपना खाना खुद बनाती है अपने प्लांट के लिए, अपने ट्री के लिए, इसीलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट हैव लीव्स, दीज लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। ये तो आप जानते हैं, जितने तरह के प्लांट्स होते हैं उतने तरह की ही बेटा लीव्स होती है। आप उनकी लीव्स के द्वारा आप उनको पहचान सकते हो कि ये कौन सा प्लांट है, और उनका स्मेल भी बेटा सभी का अलग अलग होता है। सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, कुछ बहुत लंबी होती है, कुछ गोल होती है, कुछ ट्रायंगुलर होती है, और देखो ये तो बहुत ही खूबसूरत है ना। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन एंड सम हैव अनइवन मार्जिन। मतलब बेटा कि यहाँ देखिए, ये देखो स्ट्रेट मार्जिन है ना, और यहाँ में देखिए ये अनइवन हो गया। तो इस तरह से अनइवन मतलब टेढ़ा मेढ़ा है ना। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर। मोस्टली सभी किसकी होती है? कोई लाइट होती है, कोई डार्क ग्रीन होती है, पर होती ग्रीन है। एंड सम आर इवन येलो। रेड एंड पर्पल लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट। ये देखा आपने, कुछ येलो, रेड और पर्पल कलर की भी होती है जो कलरफुल होती है बेटा। और लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट। खाना कौन बनाते हैं प्लांट के लिए? लीव्स बनाती है। सो दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। इसलिए इनको किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। यानी कि हमारे घर का किचन कहाँ होता है? जहाँ हम खाना बनाते हैं। तो इनका खाना कहाँ बनता है? प्लांट पे बनता है, सॉरी लीव्स पे बनता है, इसलिए इनको किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। अब यहाँ देखें आप, तो देखो ये पीपल की है, ये मैंगो की है, ये पपाया की है, ये बनाना की है, और ये आपके जो वहाँ ये चिनार लीव्स है, ठीक है। तो देखो ये रेडिश है, बड़ी खूबसूरत है। ऐसे और भी कई डेकोरेटिव प्लांट्स में होती है। एक्टिविटी टू ऑब्जर्व डेट लीव्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट हैव द डिफरेंट स्मेल। आपको एक एक्टिविटी करनी है बेटा। आपके घर में बहुत सारे प्लांट लगे हुए होंगे, या आपके घर के आसपास जैसे नीम है, तुलसी है, मिंट यानी पुदीना है, लेमन यानी नींबू है, मैंगो है, इनकी लीव्स को जब आप लेकर ऐसे क्रश करोगे, क्रश करके जब इन्हें सूंघोगे, स्मेल लोगे इनकी, तो सभी की स्मेल अलग अलग होगी। तो ये एक्टिविटी जरूर करना, और इन्हीं के द्वारा आप प्लांट्स को पहचान सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं हम। दिस इज कॉल्ड शेडिंग ऑफ लीव। इसको हम शेडिंग ऑफ लीव कहते हैं, जो पत्तियां गिरती है बेटा उसको। ट्रीज शेड दियर लीव्स टू कंजर्व वाटर। नेक्स्ट द फॉलन ट्री लीव्स स्लोली रॉट विथ
टाइम एंड मिक्स विद द सॉइल, जो ये पत्तियाँ गिरती है बेटा धीरे धीरे टाइमली मिक्स होती जाती है किसमें, सॉइल मतलब मिट्टी में। दिस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिससे सॉइल की उपजाऊ क्षमता यानी मिट्टी का उपजाऊ क्षमता यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पेड़ पौधे अच्छे से उगते हैं बेटा, ये होती है फर्टिलिटी। वी शुड नेवर बर्न द लीव्स बिकॉज ऑन बर्निंग हार्मफुल गैसेस आर प्रोड्यूस विच पॉल्यूट द एयर, कि हमें पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। जैसा कि आपने देखा आसपास लोग पत्तियों को जला देते हैं और उनसे जो गैसेस निकलती है वो हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं यानी कि गंदा करते हैं। वी शुड कलेक्ट ऑल द फॉलन लीव्स एंड पुट देम इन ए कंपोस्ट पिट, जैसे कि कंपोस्ट पिट का मतलब बेटा ऐसे गड्ढा कर दिया जाता है और उनमें उन सबको इकट्ठा करना चाहिए ताकि वो एक मैन्योर में बदल सके। मैन्योर मतलब फर्टिलाइजर, उससे में बेटा वो अपने आप चेंज हो जाती है। दिस हेल्प टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन एंड आल्सो गिव्स मैन्योर टू द प्लांट, और एक अच्छा खाद प्लांट को भी मिलेगा और साथ में एयर पोल्यूशन भी रुकेगा। तो हमें जलाना नहीं चाहिए बल्कि उनको एक कंपोस्ट खाद में उनको डालकर कंपोस्ट पिट में डालकर उसे खाद में चेंज करना चाहिए। अब देखिए बेटा यहाँ पर आ रहा है प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? प्लांट से बेटा हमें हमारी लाइफ का एक एक पार्ट, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक देखें हर चीज़ हमें प्लांट से मिलता है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में वो प्लांट से ही आता है। जैसे कॉटन है, कॉटन से क्या बनते हैं, हमारे कपड़े बनते हैं, सीरियल्स एंड पल्सेस, जो खाने के किचन का जितना भी बेटा फूड, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। टी कॉफ़ी प्लांट से मिलती है, दवाइयाँ आपकी मेडिसिन प्लांट से मिलती है, आपके फर्नीचर आपका प्लांट से मिलता है। तो अगर देखा जाए तो वी डिपेंड ऑन प्लांट, हम जीने से लेकर मरने तक हम ओनली प्लांट पर डिपेंड होते हैं। इसलिए हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए और हमें पेड़ों को अपने से भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगी तो बेटा आज आप स्थिति देख रहे हो क्या हो रही है। इस धरती को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें और इस धरती को साफ सुथरा रखने के लिए और एयर पॉल्यूशन से बचाने के लिए हमें पौधों को लगाना चाहिए। सेव ट्री सेव लाइफ। जय हिंद।